नमस्कार आपण मानक स्वागत जणे आरंभ करूचो आजर राउरकेला संवाद मुख्य संवाद रे इसरो द्वारा उत्क्षेपित 104 टी सैटेलाइट निर्माण रे सेल इस्पात्र उपयोग आरएसपी द्वारा एसएमएस 2 ओ कोकोभेन विभाग रो कर्मचारी कर जीवन साथी मानक निमन्ते कारखाना सचेतनता गस्त कार्यक्रम एवं कर्मचारी पंजीकरण अभियान 2017 संदर्भ रे सचेतनता कार्यक्रम आयोजित एबे आसंतु संपूर्ण संवाद को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल इसरो द्वारा महाकाश को उत्क्षेपित गोटे रॉकेट रे रेकॉर्ड 104 टी सैटेलाइट प्रेरण पई इस्पात जगाई दे देशर विकास रे एक अग्रणी योगदान प्रदानकारी शक्ति रूपे पूर्ण थरे उभा होईची एई वैज्ञानिक उपलब्धि रे सेल अधीनस्थ सालेम स्टील प्लांट लॉन्च व्हीकल रे व्यवहृत ईंधन ओ ऑक्सीडाइजर टैंक निमन्ते उच्चमानर स्टेनलेस स्टील जोगाई दे एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिछि एथि पूर्वरु सेल आईएसपी प्रतिष्ठित चंद्रयान एवं मंगलयान मिशन निमन्ते मध्य इस्पात जोगाई देथिला इसरोर एई प्रशंसनीय उपलब्धि सहित भारत गोटिए रॉकेट माध्यमरे एते संख्यक सैटेलाइट प्रेरण करथिबा प्रथम देश हेबार गौरव लाभ करिछि इसरोर अतिव कुशल रॉकेट पीएसएलवी आंध्रप्रदेशर श्रीहरिकोटा स्थित अत्याधुनिक महाकाश केन्द्ररु सिंगल रॉकेट जरियारे 104 टी सैटेलाइट प्रेरण करी रेकर्ड स्थापन करिछि नूतन मानव संभल प्रयास प्रगतिर साथे आम परिवार आम साथीर अंश स्वरूप राउरकेला इस्पात कारखानारे कार्यरत कर्मचारीकर सहधर्मिणीकर कारखाना परिदर्शन ओ सचेतनता गस्त कार्यक्रम अनुष्ठित होइजायछि एही क्रमरे फेब्रुआरी 10 तारिखरे एसएमएस 2 विभागर 21 जण एवं फेब्रुआरी 11 तारिखरे कोकोभेन विभागर 19 जण कर्मचारीकर सहधर्मिणी कारखानार विभिन्न युनिट परिदर्शन करिथिले एसएमएस 2 विभागर सम्मेलन कक्षठारे अनुष्ठित एक कार्यक्रमरे एसएमएस 2 विभागर जीएम श्री जी बानार्जी परिदर्शनरे आसिथिबा विभागर कर्मचारीकर जीवनसाथी मानंक सहित मत विनिमय करिथिले एवं सेमानंकु कंपनी ओ इस्पात कारखानार कार्यधारा उपरे सम्यक सूचना प्रदान करिथिले कोकोभेन विभागरे अनुष्ठित अनुरूप कार्यक्रमरे विभागर डीजीएम इनचार्ज श्री यूके पंडा परिदर्शन अतिथिंक सहित मत विनिमय करिथिले उक्त कार्यक्रमरे कार्य कार्मिक विभागर डीजीएम इनचार्ज श्री रविनारायण पंडा मध्य उपस्थित थिले कार्यक्रम अधीनस्थ मत विनिमय अधिवेशनरे परिदर्शनरे आसिथिबा महिलामाने इस्पात मणिशंकर कठिन कर्मजीवनर उच्च प्रशंसा करिथिले एवं सेमानंकर जीवनसाथीको अधिक प्रेरणा ओ सहयोग जोगाइदेबा पई प्रतिबद्ध होइथिले उभय कार्यक्रमरे अतिथि महिलामाननकु इस्पात कारखानार महत्वपूर्ण युनिटगुडिकु भ्रमणरे निया जाइथिला एवं इस्पात निर्माणर विभिन्न प्रसंग संपर्करे अवगत करा जाइथिला उक्त कार्यक्रम द्वयकु कार्मिक विभागर डेप्युटी मैनेजर श्री एस विश्वाल एवं आसिस्टेंट मैनेजर सुश्री संगीता मारिया सेन्दोर परिचालना करिथिले आरएसपी रो ठेकेदार मानक निमते कर्मचारी पंजीकरण अभियान 2017 संदर्भ रे एक सचेतनता कार्यक्रम एचआरटी सेंटर ठारे फेब्रुआरी 11 तारिख रे अनुष्ठित होइथिला उक्त अधिवेशन रे 88 जण नियुक्ति प्रदान करिथिबा ठेकेदार जोग देथिले आंचलिक पीएफ कमिशनर श्री वीरेंद्र कुमार ए अधिवेशन रे अध्यक्षता करिबा सहित अंशग्रहणकारी सहित मत विनिमय करिथिले श्री कुमार निजर वक्तव्य रे एई अभियानर महत्व संपर्क रे अभिव्यक्त करिबा सहित ठेकेदार मानंकु निजर कर्मचारी मानंकर पंजीकरण सुनिश्चित करिबा पई आह्वान जणाइथिले मत विनिमय अधिवेशन रे से ठेकेदार मानंक द्वारा
ইপিএফ্রে ভবিষ্য নিধি জমা সম্বন্ধীয় উপস্থাপিত বিভিন্ন দ্বন্দ্ব দূর করে। সূচনাযোগ্য যে নিযুক্তি প্রদান করে ঠিকাদারমানে মধ্যে ভারত সরকারের কর্মচারী পঞ্জীকরণ অভিযান 2017 সন্দর্ভে সচেতনতা সৃষ্টি করা উক্ত কার্যক্রম আয়োজনের লক্ষ্য ছিল এবং 2017 মার্চ 31 তারিখ পর্যন্ত বলবত্তর রহিব। 2009 এপ্রিল 1 তারিখর 2016 ডিসেম্বর 31 তারিখ মধ্যে অণপঞ্জীকৃত থিবা কর্মচারীকে পঞ্জীকৃত করা নিমন্তে সরকার এই যোজনা আরম্ভ করেছেন। প্রকাশযোগ্য যে আরএসপি রে প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী ইপিএফ ও ইএসআই রে পঞ্জীকরণ বিনা কোণসি ঠিকা শ্রমিকঙ্কু কার্য অনুমতি প্রদান করা যাই নথায়। এহা সুনিশ্চিত করা যিবা পরে সিএলসি পাস নিমন্তে সুপারিশ করি থায়। তেণু আরএসপি রে নিয়োজিত সমস্ত ঠিকা শ্রমিক ইপিএফ ও ইএসআই পঞ্জীকৃত অটন্তি। কার্মিক সিএলসি বিভাগের ডিজিএম শ্রী টিজি কানেকর স্বাগত অভিভাষণ প্রদান করেছিবা বেলে অর্থ বিভাগের ডিজিএম শ্রী এস কে পণ্ডা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছিলে। এথিসহিত শেষ করুছু আজির ওড়িয়া সংবাদ। নমস্কার।